नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में, जहां के लोग अरबी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, जहां के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के माने जाते हैं, जहां की महिलाएं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने में किसी भी देश से पीछे नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर सबसे अधिक हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ मज़ेदार तथ्य बताने वाला हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उस देश का नाम है मोरक्को। मोरक्को या अफ्रीका महाद्वीप में 7 लाख वर्ग मील में फैला दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 3,70,00,000 है। मोरक्को की सीमाएं पूर्व में अल्जीरिया से और दक्षिण पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से और इसके अलावा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से मिलती हैं, जो इसकी सीमाएँ चारों तरफ से मिलने के कारण इस देश को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। दोस्तों, मोरक्को में संवैधानिक राजाशाही चलती है और यहाँ के राजा का नाम है मोहम्मद फाइव, जो सन 1999 से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और दोस्तों, 30 जुलाई को सिंहासन दिवस के रूप में इस देश में मनाया जाता है। इसके कारण अपने पुराने राजाओं को याद किया जाता है। दोस्तों, मोरक्को की गिनती सभी अरब देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय देशों में की जाती है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं, इसलिए इन लोगों को फ्रेंडली नेचर वाले लोगों के रूप में भी गिनती की जाती है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों की सूची में एक शीर्ष स्थान रखते हैं। दोस्तों, इस देश में सारी जगह पर आपको सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देगा। आप दूर दूर तक यहाँ पर रेगिस्तान में घूमकर उसकी रेत का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पर सबसे अधिक जाने वाले लोग यहाँ पर ऊँट और घोड़े पर बैठना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में घूमने के लिए ऊँट सबसे ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर होने वाली अद्भुत यात्रा जो ऊँटों के द्वारा सबसे लंबी यात्राओं में गिनी जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी यात्रा में शामिल होने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस देश को बहुत ही सुंदर और अजीबोगरीब इमारतें हैं, जिसके कारण कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग यहीं पर की जाती है। और यहाँ की खूबसूरत समुद्री बीचेस, जहाँ सबसे ज़्यादा शूटिंग के लिए लोग जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अजीब है। दोस्तों, मोरक्को देश का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो वह टुबकल पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,267 मीटर है, जो दोस्तों पर्यटक का सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग करने वाला पर्वतों में इसका एक स्थान प्राप्त है। दोस्तों, मोरक्को देश का सबसे बड़ा शहर कालास ब्लॉक है, जो इस देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर वर्ग रहते हैं। दोस्तों, इस देश में जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा इस शहर पर ठहरना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में साफ सुथरे होटलों की गिनती इस शहर में आती है। दोस्तों, मोरक्को का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल, जो सन 1986 में मोरक्को फीफा विश्व कप के दूसरे चरण में शामिल हुआ था, जिसके कारण यह पहला अरब देश बना और यह पहला अफ्रीकी देश है जिसने फीफा विश्व कप जीता था। दोस्तों, मोरक्को का ध्वज बेहद ही सुंदर और आकर्षक प्रकार का है, जिसके अंतर्गत इसको दुनिया में सबसे एक अनोखी पहचान प्राप्त है, जिसमें इसका ध्वज लाल रंग कठोरता, बहादुर और ताकत का प्रतीक है और हरा रंग खुशी, शांति, आशा का प्रतीक है। और यह ध्वज इस्लाम धर्म को प्रदर्शित करता है, जो कि अपने आप में सबसे अद्भुत है। दोस्तों, यहाँ पर जाने वाले सबसे अधिक पर्यटकों में भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका से लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ के रेगिस्तान ने इस देश को सबसे ज़्यादा घूमने के लिए आकर्षित किया गया है, जो कि अपने आप में सबसे अद्भुत देश माना जाता है। दोस्तों, इस देश के लोग बेहद ही प्यारे होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह लोग शांतिप्रिय रहना पसंद करते हैं, जो कभी भी किसी के दूसरों के कामों में टांग अड़ाना पसंद नहीं करते। वे लोग खुद के द्वारा किए गए कामों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने देश के प्रति वे लोग हमेशा सम्मान की भावना रखते हैं, जिसके कारण इस देश को एक विशिष्ट पहचान मिली है। दोस्तों, मोरक्को दुनिया के उन खूबसूरत देशों में जहाँ पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।